अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप दोस्त सब आप जानते हैं कि हमारी पिछले 3-4 दिनों से मुश्तरका बेस पे ज़ाफ़रान की काश्त के लिए कुछ पोस्टें शेयर हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में, तो उसके हवाले से ये हम लोगों ने जो पोस्ट लगाई थी, तो ये हमारे ऑर्डर जो डेली बेस के पे कलेक्ट हो रहे हैं उन ऑर्डर्स की में से एक यानी कि कड़ी है। ये ऑर्डर जो आज के कलेक्ट हुए हैं ये टोटल तकरीबन 30 के करीब हैं, 3 बजे से पहले पहले तक के। बकाया सेकंड टाइम के होंगे जो 8 बजे हमारी जो डिलीवरी जाती है उसमें। एटीसीएस के कुछ पैक हैं जो अभी मुख्तलिफ एक मुश्तरका बेस पे भी हम लोग जो डिस्पैच कर रहे हैं, और इंडिविजुअल जो हमारे से 10, 20, 50, 100, 200 ज़ाफ़रान बल्ब मंगवाने वालों के लिए हमारे पास जो ऑर्डर लग रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें यानी कि ये मुख्तलिफ ऑर्डर जो हैं ये अभी डिस्पैच के लिए रेडी है। ये अभी मुख्तलिफ कस्टमर्स की मुख्तलिफ डिमांड के हिसाब से होता है, ये अभी ऑर्डर्स हैं जो डिस्पैच के लिए रेडी हैं। ये आप दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मैं एक अभी पैक खोल रहा हूँ आप दोस्तों आपको चेक करवाने के लिए ज़ाफ़रान के सीड की कंडीशन के लिए। ये आप देख सकते हैं ये प्रॉपर जर्मिनेट होना शुरू हो चुके हुए हैं। ये अभी इसको अगर ये अभी जर्मिनेट होना शुरू हो गए और जर्मिनेटेड ज़ाफ़रान है ये। अभी इसमें आप देख सकते हैं सभी सीड्स की कंडीशन और क्वालिटी भी देख सकते हैं। ये जितना बल्ब भी है 1x1 स्केल किया जाता है, इनके एक एक बल्ब प्रॉपर स्केल हुआ होता है, इसकी ग्रामिंग के हिसाब से इसकी ग्रेडिंग होती है और ग्रेडिंग करके हम लोग डिस्पैच करते हैं जितना भी बल्ब है, क्योंकि रेट हम ग्रेडिंग के हिसाब से चार्ज करते हैं, तो ग्रेडिंग के हवाले से जो बल्ब है हमारा डिस्पैच होता है। या वीडियो में देख सकते हैं कि प्रॉपर कोई भी बल्ब इसमें यानी कि ये बल्ब भी अभी ये भी जर्मिनेट हुआ हुआ है, इसमें ये भी जर्मिनेट हो रहा है, इसमें बल्ब की प्रॉपर कंडीशन आप लोगों के सामने है। तो ये अभी रेडी टू हैं, इनके ऊपर स्टिकर वगैरह लगा दिए हैं, अभी क्लाइंट्स के हिसाब से इनके ऊपर मार्किंग होनी है, क्योंकि क्लाइंट्स का डेटाबेस साथ में शेयर करना प्रॉब्लम करता है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स के फिर नंबर शेयर हो जाते हैं, तो क्लाइंट या एड्रेस शेयर हो जाते हैं तो उनको मुख्य प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस वजह से ये वीडियो के साथ क्लाइंट के नंबर या एड्रेस शेयर नहीं कर सकते। और बहुत सारे ऐसा भी देखने में आया है कि हमारी वीडियोस में से हमारे क्लाइंट्स के नंबर निकाल के तो ऑफ़र कर रहे होते हैं उन्हें चीज़ें कि जी आप हमारे से ख़रीदें, आप हमें चेक करें। एक मरतबा शॉर्टकट चीटिंग वाले लोग तो बेबा हैं पाकिस्तान में, ये अभी देख सकते हैं आप। ये जो रेडी हुए हैं आज के पैक, और इसके साथ एक और वीडियो में आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो अमेरिकन ज़ाफ़रान का सवाल होता है उसके हवाले से मैं एक सीड आप लोगों को अभी शो करना चाह रहा हूँ कि जो अमेरिकन ज़ाफ़रान कह के बेचा जा रहा है और बहुत सारी नामी ग्रामी सीड कंपनीज बेच रही हैं, ये अमेरिकन ज़ाफ़रान के तौर पे बेचा जा रहा है। ये ज़ाफ़रान से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये मिक्सिंग के लिए यूज़ होता है 2 नंबरी के लिए, और ये इसे खुरतम कहते हैं, इसका ओरिजिनल नाम है खुरतम, ये ज़ाफ़रान नहीं है। और इस बीज के ऊपर लोग लाखों रुपये अर्न कर रहे हैं,
ये 40 रुपए के हिसाब से एक रेट रखा हुआ है इन्होंने, 150 रुपए किलो इसकी वैल्यू है। अगर एक एक किलो में 10,000 दाना भी हो तो 10,000 को मल्टीप्लाई करें 40 के हिसाब से तो लाखों रुपए जनरेट करके देता है। तो मना करने के बावजूद भी लोग इस पे इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, लोग लेके लगा के बाद में पछता भी रहे होते हैं कि हमारे पास इतना ज़ाफ़रान है अभी कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। और कई लोग मना हो जाते हैं, कई लोग नहीं मना होते। बाकी वीडियो में ये बताने का मकसद ये है इसलिए कि ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो कि ये ज़ाफ़रान नहीं है, ये खुरतम है, ये परिंदों के दाने में यूज़ होता है या ऑयल सीड है। ऑयल वगैरह इससे निकलते हैं, कुकिंग ऑयल वगैरह इसका बनता है। मुख्तलिफ ममालिक में ये एक फसल के तौर पर काश्त किया जाता है, पाकिस्तान में भी ये काश्त होता है, कामयाब भी है। पर यह कि ये ज़ाफ़रान नहीं है, ये ज़ाफ़रान के अंदर मिक्सिंग के लिए यूज़ होता है और इसकी सीड की वैल्यू 150 रुपये किलो से ऊपर की नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये लीमू के सीड की तरह का सीड है और बहुत सारे नामी ग्रामी जो सीड कंपनीज हैं इसको बेच रही हैं 10 सीड का पैक 400 रुपये का। तो हालांकि इसमें ज़ाफ़रान नहीं है, ये सिर्फ मिक्सिंग के लिए यूज़ होता है जिसको अमेरिकन ज़ाफ़रान कह के बेचा जाता है। और ओरिजिनल ज़ाफ़रान बल्ब ये है जी, आप देख सकते हैं ओरिजिनल। और ये मैं आपको ये देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सीड जो है ये ज़ाफ़रान नहीं है, जो नीचे पड़े हुए हैं वो बल्ब, वो ज़ाफ़रान के बल्ब है। और खुदारा इन चीज़ों को अवॉइड किया करें, अगर कोई प्रोफेशनल किसी से मशवरा कर लिया करें, बेशक हमारे से ना ख़रीदें, जिससे भी ख़रीदें थोड़ा सा मशवरा कर लिया करें, रिसर्च कर लिया करें। ये देखें अभी ये सीड जो पड़े हुए हैं ये ज़ाफ़रान नहीं है, ये ज़ाफ़रान के सीड नहीं है। जो नीचे बल्ब हैं या जो तस्वीर के ऊपर शो किए गए हैं ये ज़ाफ़रान बल्ब ये हैं, ज़ाफ़रान बल्ब। बल्ब जैसे कोई भी चीज़ जो ज़ेर ज़मीन होती है, जैसे लहसुन के तुरी को भी बल्ब कहा जाता है, प्याज को भी बल्ब कहा जाता है, ग्लैड्स के भी बल्ब होते हैं। बल्ब और सीड जो है उसमें फ़र्क होता है। ये चीज़ आप लोगों के लिए, ये ज़ाफ़रान सीड नहीं है, ये खुरतम है। लिहाजा ऐसे नौसरबाजों से बचें कि जो आपको जिसकी वैल्यू 2 रुपए भी नहीं है वो आपको 40 रुपए का सीड बेच रहे हैं। लिहाजा इन ऐसे अनासर से बचें, क्योंकि ये अनासर ख़ुद तो कारोबार में खलल पैदा कर रहे होते हैं हराम कमा के, पर दूसरों के लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये देखिए जी, ये वीडियो बनाने का मकसद, इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप दोस्त अहबाब ऐसे नौसरबाजों से बचें जो गलत चीज़ें बेच के लोगों का पैसा ईंटते हैं और बाद में आप लोग हर एक को बुरा भला कह रहे होते हैं कि जी हमारे साथ हाथ हो गया। जब हम लोग प्रॉपर रिसर्च नहीं करेंगे, प्रॉपर हम लोग कोई काम नहीं करेंगे तो उसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये देख सकते हैं आप वीडियो में, ये आज के जो पार्सल हैं वो रेडी किए हुए हैं। बाकी मज़ीद किसी किस्म की भी कोई ज़ाफ़रान के हवाले से मालूमात चाहिए हो, व्हाट्सएप नंबर, तीनों व्हाट्सएप बिजनेस नंबर हैं, उस पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई आ जाता है विद इन सेकेंड्स। तो वो रिप्लाई में वीडियोस अटैच की हुई हैं सारी। तो मज़ीद किसी किस्म की भी कोई मालूमात चाहिए हो तो रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ज़ैन अली फ्राम लाहौर।